हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मधुलिका और आज का ब्लॉग शुरू करते हैं पूजा घर से मंदिर। तो देखो मंदिर कितना प्यारा लग रहा है और दीपक भी जल रहे हैं। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों से बहुत ही ज़रूरी बात करने वाली हूँ। और ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी वॉच हैं क्योंकि मुझे कहीं जाना था तो मुझे इमरजेंसी थी वॉच खरीदने की। इसके लिए मैंने वॉच को ख़रीदा, यानी मैंने एक घड़ी ली थी। और ये देखो मेरा बेटा है, बेटी है, हम लोग गए थे शॉप पे, लेके आए हैं वहाँ से। और फिर उसके बाद ये मैंने बनाया था उसका पालक की दाल बनाई थी, उसी को मैं फ्राई कर रही हूँ क्योंकि शाम को ही मैंने बना लिया था पालक की दाल। और दोस्तों आज मैं आप लोगों से बहुत ही ज़रूरी बात करने वाली हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो में फुल बने रहिएगा और वीडियो को कमेंट करके भी बताइए अपने अपने सुझाव। और दोस्तों मुझे आप लोगों के सुझाव चाहिए, इंसान की इंसानियत खो गई है। और दोस्तों आज मैं सब कुछ इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ, पहले ही बता दी हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों आज का वीडियो स्किप मत कीजिएगा क्योंकि उस दिन कुछ बातें हो पाई थी, कुछ बातें नहीं हो पाई थी, जिसके लिए आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि दी ऐसा तो ऐसा क्यों। तो आज मैं सब कुछ बताऊंगी बारी बारी से। और दोस्तों आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा क्योंकि आप लोग वीडियो को फुल वॉच करते नहीं हो, फिर कमेंट करते हो बहुत सारा कि दी नहीं ऐसा नहीं ऐसा। दोस्तों मैं जहाँ तक बताती हूँ, आज के युग में इंसानियत खो गई है। इंसान तो इंसानियत हो ही नहीं सकती किसी के जरिए से। और ये देखिए यहाँ पे मैं देख रही थी और यहाँ मुझे लगा के देना था शायद बेटे के लिए थाली। तो ये देखो मैं थाली बेटे के लिए रोटी और निकाल के दे रही हूँ। बहुत दिन बाद मैंने पालक की दाल बनाई है। और ये शाम का वीडियो था, मुझे जाना था कहीं और मेरे ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे। कम से कम तीन दिन हो गए मेरे एक भी वीडियो नहीं आए। क्या कारण है वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी, किस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। तो ये सब कुछ बताऊंगी और कितना मैं मजबूर थी ये भी बताऊंगी। और कुछ लोग मतलब मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ पे देखो दोस्तों आटा समाप्त हो गया था तो मैं आटा निकाल के टाकी में भर के रख रही थी। और ये देखिए साइड में मैंने कर दिया है तो आटा जो गिर गया था उसी समय उसको हटा लेती हूँ क्योंकि मेरी आदत है आटे को मतलब ऐसे नहीं रखने की, क्योंकि फैला फैला रहता तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। और दोस्तों यकीन मानिए आपको भी विश्वास हो जाएगा, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में मैं सोच सोच के परेशान हूँ। और कभी कभी सोचती हूँ क्या एक इंसानियत ही खो गई। अरे पहले तो आपने शादी की और शादी की और बहुत विश्वास दिलाया। दोस्तों आज के युग में किसी के ऊपर विश्वास करने योग्य ही नहीं है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मैंने बनाई है पालक, मैंने अभी ये सुबह यहाँ से मॉर्निंग का वीडियो है, यहाँ पे मैंने बनाया था शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी। और दोस्तों सही बताती हूँ मैं कभी भी किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि कोई भी इंसान विश्वास के पात्र नहीं होता है, क्योंकि विश्वास उसके ऊपर किया जाता है जो बातों को समझे, और जो बातों को नहीं समझता उसके ऊपर विश्वास कैसे हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो मेरा कहने का मतलब यही है दोस्तों कि और जब आपने अपनी मतलब पूरे यकीनों से कि मैं चांद तारे लाऊंगा तोड़ के 7 जन्मों तक रिश्ता, अरे एक जन्म तो आपने निभाया नहीं रिश्ता, तो 7 जन्म कहाँ से निभा पाओगे 7 जन्म रिश्ता निभाने के लिए। इसके बाद दोस्तों जैसे आप देख सकते हो कि सब्ज़ी मेरी पक गई थी तो उसके बाद पराठा बना रहे थे बच्चों के लिए। पराठा का साइज़ देख के, क्योंकि बेटू का और बिट्टू का जो टिफ़िन लगाते हैं उनके पराठा का छोटा साइज़ कर देती हूँ। और बिट्टू मेरी इसको तिकोने पराठा नहीं बोलती, ए ए ए ए करके बोलती है। और दोस्तों बस बच्चों में लगे रहते हैं। और सबसे पहले तो ये बता दें कि देखो ज़िंदगी किसी की भी हो अहमियत होती है, मगर कहते हैं कि मतलब प्यार करना कोई गुनाह नहीं होता,
गुनाह होता है, मगर प्यार वो गुनाह होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ बदनामियां ही मिलती है, लास्ट में क्या मिलता, कुछ भी नहीं। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग इस बातों से सहमत है कि नहीं। विश्वास के पात तो कोई भी नहीं है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं बिट्टू ने चाबी निकाली थी, उसी को खोलने में लगी हुई थी। और दोस्तों आज बहुत कुछ बात करने का मन है, और मैं क्यों नहीं वीडियो डाली हूँ दो तीन दिन, किसकी वजह से किसने मुझे रोका था, वो सब मैं इस वीडियो में बताती हूँ दोस्तों। वैसे तो मेरा सच्ची पूछो मैं इस समय बहुत ज़्यादा परेशान थी, और बिट्टू को देखो लेके आई हूँ, यहीं पे खड़े होके वीडियो बनाती हूँ। तो दोस्तों फिर उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ बिट्टू मेरी हैं और मंदिर के अंदर प्रवेश की हैं, और ये है स्टेशन। तो स्टेशन में ही मंदिर था, तो जैसे दोस्तों आपको मालूम है मैं कहाँ गई थी, मेरा क्यों वीडियो भी नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं कहीं गई थी। और बिट्टू ने कहा जब स्टेशन में पहुंची थी तो बोली मम्मा ऐसा करते हैं हम लोग पूजा करते हैं, तो वहाँ पे एक आंटी जी पूजा कर रही थी, साथ में मेरी बिट्टू भी पूजा कर रही थी। वो पैर छूने में डर रही थी, क्योंकि बात यह दीपक जल रहा था, तो सोच रही थी मैं किस साइड खड़ी हूँ। तो मैंने कहा ऐसे से ऐसे मतलब खड़ी हो, और इस टाइम पे तो सावन चल ही रहा है, और आज सावन का चौथा सोमवार है। मैं तो व्रत रखी हूँ, आप में से कितने लोग दोस्तों व्रत रखें प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मंदिर बहुत प्यारा था, सुबह का टाइम था, और हम लोगों के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं बहुत बड़ा बड़ा करके वीडियो बना सकूँ दोस्तों। इसके लिए मैंने शॉर्ट वीडियो ही इसको मतलब ज़्यादा मंदिर का नहीं बनाया था। और फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ से बिट्टू को लेके निकलती हूँ, तो बिट्टू यहाँ भी मैंने कहा ऐसे ही पैर छू लो, मगर बिट्टू ने यहाँ चढ़ गई थी, मगर फिर मैंने कहा बाबू यहाँ चढ़ते नहीं। और मंदिर का देख सकते हो अच्छा मंदिर था, और ये स्टेशन है, स्टेशन आपको बगल में स्टेशन ही दिख रहा है, यहाँ सारे लोग आते हैं, अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे तो सुकून मिला भगवान के मंदिर। तो बिट्टू को बजाना है ये बेल, और बिट्टू अभी आती उसे बजवाते, बिट्टू आ जाओ इधर, तो बिट्टू से बजवाते आ जाओ, आज इसको बजा लो, इस पे खड़ी हो, इस पे तखत पे बजाना है तो बजवा दे, ओ बजाओ भाई, हाँ तेज से और तेज से, और एक बार और हाँ हो गया। चलो तो चलो अब हम लोग फाइनल देख सकते हैं, राइज रैली आ गए हैं, और आ बेटा प्रसाद ले लो, आओ बाबू, आ बाबू प्रसाद ले लो, बच्चा प्रसाद ले लो, आओ। तो दोस्तों बिट्टू कह रही थी जीत की मुझे मतलब घंटी बजानी है भगवान की, तो भगवान की घंटी बजाएं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे प्रसाद ले लिए, बाबा जी प्रसाद दिए, बोले कहाँ जाना है, तो वही मैं बता रही थी। लोग बाहर निकल आए, बिट्टू अपनी सैंडल पहनेंगी अपने हाथ से, और मम्मा अपनी पहनेंगी, है ना। हुआ कुछ खाओगी, आ इधर आओ। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हो हम लोग बाहर निकल आए, और फाइनल मैं अपनी मंजिल में आ ही गई हूँ दोस्तों। मैं हमेशा आप लोगों से बोलती रहती थी, मेरा एग्ज़ाम है आईटीआई का, तो हाँ दोस्तों मेरा आईटीआई का एग्ज़ाम था, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। वीडियो तो था मेरे पास, मगर मैंने डाल नहीं पाया, कुछ थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किए थे आप लोगों को दिखाने, क्योंकि आप लोग विश्वास नहीं मानते। अच्छा उसके बाद फिर मेरा एग्ज़ाम हो गया, यहाँ से मैं वापसी लेती हूँ, तो यहाँ से मैं वापसी रिक्शे में बैठती हूँ, और ये देखिए यहीं से, तो आपको मैं दिखाती हूँ मेरे मायके पक्ष की सिटी, आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों प्लीज़ आप लोगों से हमेशा एक बात यही बोलूँगी, किसी के ऊपर कभी विश्वास नहीं करना, कोई भी इंसान हो, लव मैरिज शादी कभी नहीं करना, क्योंकि बाद में जो दर्द होता कष्ट होता ना, वो इंसान दूसरी शादी कर लेता
और फिर बाद में सिर्फ और सिर्फ कष्ट ही कष्ट देता। और दोस्तों ये देख सकते हैं फिरोज, मतलब मैं जिस कॉलेज से की हूँ डिग्री कॉलेज, ये वहीं का डिग्री कॉलेज है जो कि मैं दिखा रही हूँ। इसको देख के बहुत सारी यादें ताज़ा हुई। तो दोस्तों आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और दोस्तों अगर आप इस शहर में नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें, जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और दोस्तों कमेंट करके बताइए क्या दूसरी शादी सही है। फिर उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं मैं यहाँ पर ट्रेन का वेट कर रही हूँ, ये मेरी मौसी की नातिन है, तो मैं यहाँ ट्रेन का वेट करती हूँ अपने घर वापस आने, क्योंकि बेटा नहीं ले गए थे, बेटा के एग्ज़ाम चल रहे थे। तो दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं करते हैं और कल मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक आप अपना अपनी फैमिली